दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा के मोस्ट स्टाइलिश हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोज का। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स और प्राइसेस के बारे में। टाटा अल्ट्रोज अवेलेबल है 33 वेरिएंट्स में, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। बेस मॉडल है टाटा अल्ट्रोज एक्सई पेट्रोल, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.65 लाख रुपीज। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा अल्ट्रोज एक्सजेड प्लस एस आई सीएनजी वेरियंट का। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 10.10 लाख रुपीज। टाटा अल्ट्रोज अवेलेबल है 6 कलर ऑप्शंस में। स्क्रीन के ऊपर हम इसका डाइटोना ग्रे कलर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। सबसे पहले हम बात करने वाले इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट में आपको टाटा का बहुत ही बढ़िया लोगो मिलता है, प्लियानो ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल मिलता है। यहाँ पर हम इसका हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट देख रहे हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इस कार मिलता है। इसके साथ ही कॉर्निंग हेडलाइट्स एक्टिव मिलती है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और हेलोजन फॉग लाइट्स के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही टेल लाइट्स पे आपको हेलोजन मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टेयरिंग और टायर्स के बारे में। बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश अलॉय व्हील्स आपको इस कार में मिलते हैं। यहाँ पर हम इसके टायर साइज देख रहे हैं। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 185/60 R16 की। फ्रंट सस्पेंशन में आपको मिलता है इंडिपेंडेंट मैकपर्सन ड्यूअल पाथ स्ट्रक्ट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। रियर में मिलता है ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक अब्सॉर्बर सस्पेंशन। ORVM पियानो ब्लैक कलर के साथ आते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। इस कार की मिनिमम टर्निंग रेडियस 5 मीटर्स की है। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ये कार आती है। इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लगता है। डोर के इंटरनल डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रेसेबल ORVMs मिलते हैं। फ्रंट और रियर पावर विंडोज, वन टच डाउन और अप का ऑप्शन ड्राइवर के लिए मिलता है। इसके साथ ही आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलता है। डोर के इंटरनल डिजाइन्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बॉटल होल्डर के लिए जगह आपको नीचे मिलती है। यहाँ पर हम इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अल्ट्रोज की डिजाइन और लुक्स काफी प्रीमियम है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ये कार आती है। अभी हम इसका इग्निशन ऑन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन की। आपको इस कार में डिजिटल अनलॉक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। ट्रिप मीटर आपको दो ट्रिप्स के साथ मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एमटे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होता है। क्लॉक बुक आपको डिजिटल मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग मिलती है। इसके साथ ही एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, टाटा का लोगो स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है। इसके साथ ही क्रोम फिनिश भी मिलती है। स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। बहुत ही प्रीमियम डिजाइन्स के साथ ये कार आती है। अब हम बात करने वाले इस कार के एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत ही बढ़िया 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इस कार में मिलता है, जो आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। GPS नेविगेशन सिस्टम और वॉइस कमांड आपको मिलता है। इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम विद 8 स्पीकर्स आपको इस कार में मिलती है। हजार लाइट का बटन, AC वेंट्स, अल्ट्रोज की बहुत ही बढ़िया बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। AC के कंट्रोल्स, ऑक्सिलरी USB कॉम्पैक्टिबिलिटी आपको इस कार में मिलती है। इसके साथ ही AM/FM रेडियो मिलता है। यहाँ पर हम चार्जिंग के सॉकेट्स देख रहे हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB और सी टाइप चार्जिंग सॉकेट आपको फ्रंट में मिलता है। वायरलेस चार्जर के साथ ये कार आती है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आपको इस कार में मिलती है। कीज की डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। लॉक अनलॉक का बटन, होल्ड का बटन आपको कीज के ऊपर मिलता है। ट्विन कप होल्डर, बहुत ही बढ़िया आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिलता है। बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। इस कार की सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। एक्सटीरियर में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलता है। इसके साथ ही रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं। ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। कूलिंग फंक्शंस के साथ आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। इसके साथ ही आपको कप होल्डर्स फ्रंट में मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया फिट और फिनिश के साथ ये कार आती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस कार का इंटीरियर बहुत ही स्टाइलिश है। अभी हम इस कार का रिवर्स पार्किंग कैमरे की फंक्शनिंग देखने वाले हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस आपको इस कार मिलता है। हार्मन की बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सिस्टम के साथ ये कार आती है। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट की डिजाइन काफी स्टाइलिश है। बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइविंग आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। ट्विन कप होल्डर, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। वैनिटी मिरर और सनविजर को ड्राइवर को मिलता है। इसके साथ ही आपको सनग्लास होल्डर भी इस कार में मिलता है। अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीट की ओर और देखेंगे कि आपको रियर में कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है। बहुत ही बढ़िया और यूनिक आपको एक्सटर्नल डोर हैंडल मिलता है।
50 लाख कार के सेलिब्रेशन का स्टिकर भी आपको यहाँ पर मिलता है। डोर के इंटरनल डिजाइन, डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। यहाँ पर हम इसकी रियर सीटिंग देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट और रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। रियर में एसी वेंट्स बिहाइंड फ्रंट आर्मरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर हम इसके एसी वेंट्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। एडजस्टमेंट आपको ऊपर मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। नीचे चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बहुत ही बढ़िया लेग रूम के साथ ये कार आती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स आपको इस कार मिलते हैं। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पर हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। 8-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलती है। 6-way मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट मिलती है। ग्रैब हैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं। डोर के इंटरनल डिजाइन, डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। 2-way मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ रियर रो सीट एडजस्टमेंट मिलती है। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। रियर पैसेंजर आर्मरेस्ट काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश है। रियर पैसेंजर सीट्स हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। बूट स्पेस आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। आपको इस कार में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रेक असिस्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ ये कार इक्विप्ड आती है। यहाँ पर हम इसके रियर लुक्स देख रहे हैं। रियर लुक्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। टेल लाइट्स आपको हैलोजन मिलती है। इसके साथ ही टर्न इंडिकेटर आपको रियर में मिलते हैं। ICNG के बैजिंग, अल्ट्रॉस की बैजिंग, टाटा का बहुत ही बढ़िया लोगो मिलता है। ये कार बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लोडेड आती है। शार्फिन रूप माउंटेड एंटेन आपको यहाँ पर मिलता है। स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर की डिजाइन काफी स्टाइलिश है। टाटा का बहुत ही बढ़िया लोगो, अल्ट्रॉस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा। अभी हम इस कार का बूट स्पेस ओपन करने वाले हैं। ICNG होने की वजह से आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिलता है। 210 लीटर का बूट स्पेस आपको इस कार मिलता है। यहाँ पर इसका पूरा इंटीरियर देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। हाई डोर्स के साथ ये कार आती है। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज आपको 2 मिलते हैं। यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर्स मिलते हैं। इन ट्विन सिलेंडर्स की वजह से बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार में मिलता है। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की है। CNG की फिटिंग्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टाटा अल्ट्रोज की डिजाइन काफी स्टाइलिश है। बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको इस कार में मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के डायमेंशंस के बारे में। इस कार की लेंथ है 3.99 मीटर्स। बहुत ही बढ़िया 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको यहाँ पर मिलता है। स्टॉप लैम्प स्पीयर व्हील स्टील रिम के साथ नीचे मिलता है। इस कार की विड्थ है 1.755 मीटर्स की। हाइट है 1.523 मीटर्स की। लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर हैंडल, आपको डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म भी मिलता है। इस कार का व्हील बेस है 2.501 मीटर्स। रियर लुक काफी स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पर हम इसका पूरा साइड व्यू देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको इस कार में मिलती है 3 साल की 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। डैशबोर्ड की डिजाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको 8-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर मिलता है। इसको खींचते ही कार का बोनेट ओपन हो जाता है। अभी हम चलने वाले इस कार के फ्रंट की ओर। इस कार के लुक्स काफी स्टाइलिश है। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। फ्रंट में बहुत ही बढ़िया टाटा का लोगो मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं। अब हम चलने वाले इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार में मिलता है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व DOSC 1.2 लीटर CNG इंजन। वाइपर वाटर फिल करने की जगह आपको यहाँ पर मिलती है। ये कार प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर ऑफ 72 bhp और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 103 न्यूटन मीटर। ब्रेक ऑयल टैंक, इंजन ऑयल फिल करने की जगह, कूलन टैंक, रेडिएटर, लॉक अनलॉक की अरेंजमेंट, बैटरी की पोजीशन। इस कार का AR AS सर्टिफाइड माइलेज है 26.2 किलोमीटर पर लीटर। ड्राइविंग रेंज है 1572 किलोमीटर की। इस कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ट्रांसमिशन सिस्टम मैनुअल 5 गियर्स के साथ मिलते हैं। इस कार के इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। इसके साथ ही इस कार में आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। ओवर स्पीड वार्निंग आपको इस कार में मिलती है। ये कार आती है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी की रेटिंग के साथ। ये कार सेफेस्ट मानी जाती है और बहुत सारे इंसिडेंट्स में इस कार ने इसकी सेफ्टी भी प्रूव की हुई है। आपको इस कार में 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके साथ ही TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलती है। चाइल्ड सीट बेल्ट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस का। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है।
रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है, पार्किंग सेंसर्स रिवर्स में मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इस कार मिलता है, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन का रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट की मिलती है, 12 वोल्ट के पावर आउटलेट्स आपको इस कार मिलते हैं। आपको इस कार में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, बूट लिड ओपनर इलेक्ट्रिक टेलीगेट रिलीज के साथ मिलता है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली है टाटा की मोस्ट स्टाइलिश हैचबैक कार आपको बहुत पसंद आएगी।